खिला रखा हमने, पूरा देखना संभल संभल खाना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय एक और न्यू ब्लॉग। तो आप लोग देख रहे हैं इतनी तगड़ी बारिश पड़ रही है, क्या छाता छाता हमारा बेकार भी हो गया है। इधर से देखना ना कितना सारा बारिश पड़ रहा है, यहाँ पूरे में पानी भर रखा है हमारे खेतों वगैरह में, बहुत नुकसान है हमारा यहाँ पे। और ये देखना इतना पानी पानी नाला से चल रहा है यहाँ पे, ये नहर है। बारिश वगैरह हो रही है और हमें छाता में भी नहीं रुक पा रहे हैं हम, थोड़े बहुत इधर जा रहे थे दुकान की तरफ। तो दुकान दोस्तों रात कल भी बंद थी और आज भी बंद है बारिश की तरफ से। तो घर के लिए राशन वगैरह लेकर आना था हमारे लिए, तो सब चीज़ बंद है वहाँ पर, अभी बहुत परेशान है अभी। और गाँव में हमारे गाँव में दोस्तों भेड़िया वगैरह भी आ गया बहुत, रात में था एक था बहुत तगड़ा भेड़िया, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, मैंने उसकी शोर लगा दी है रात के। अभी घर आ चुका हूँ, देखना इस तरह से बारिश पड़ रही है, पूरा घर में पानी पानी हो गया है। देखना कपड़े इतने सारे भी बांध रखे हैं, देखना मेरे पूरा ये पूरा टपक रहा है, देखना कितना बेकार सा हो रहा है, देख सकते हैं अभी पूरा पानी पानी है घर में। नल पे वो नल है, वहाँ पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। और इसमें अपना खाना पीना बना दे तो ये कैसा कर रखा है हम लोगों ने, देखना तो देखना भी कैसा हो रहा है घर, देखना बिल्कुल बेकार सा है। इसमें भी देखना पानी पानी हो रहा है, अरे अरे अभी गिर पत्ते पानी, देखना यहाँ अभी रपट गया मैं बहुत, ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसी में कपड़े लेते हुए हमारे इसी में सूख रहे हैं सारे। देखना ये भी है, इसमें टपक टपक के पानी गिर रहा है, तब भी काफ़ी हो गया यहाँ इकट्ठा सा, पूरा पानी पानी हो गया है यहाँ पे। दोस्तों रात भेड़िया वगैरह भी आ गया, मैं उसकी वीडियो में थोड़ी सा शॉर्ट दे, रात हमारे गांव से था वो पकड़ लिया, ले गए उसको पकड़ के, तो इधर मैं कोने पर लगा दूंगा उसका स्क्रीनशॉट। भेड़िया भी आ गया दोस्तों, बारिश भी काफ़ी पड़ रही है यहाँ पे हमारे, उसमें घर है वो किस तरह से बना रखा है हमने देख सकते हैं अभी। और पूरा पानी पानी सा हो गया यहाँ से ले कर वहाँ तक, पूरा दिक्कत ही दिक्कत है। और ये बेचारे देखना ठहर रहे हैं इधर, अंशु पता नहीं इसमें क्या कर क्या देख रहा है, खाना पीना बनाने में दिक्कत है, लकड़ी वगैरह सूखी वगैरह नहीं है। और मैं दुकान पे गया था अभी तो दुकान बंद थी वहाँ पे, अब देखना पता नहीं क्या होगा अभी। तो देव सर यहाँ बैठी हुई है बेचारी, देखना और इसमें पता नहीं आलू उबाल ली है क्या, दुकान में तो कुछ मिला नहीं, आलू उबाल ली है इसमें से। हमारे घर में पूरा पानी पानी हो गया, यहाँ पे सोया था दिए रात, हम यहाँ लेटे थे और पूरा पानी पानी हो गया यहाँ से वहाँ तक। देखना पूरी पन्नी बल्ली लगा के यहाँ पे जब तो रोका है अपने पानी, और देखना काफ़ी पानी भर रहा है इसके अंदर भी, ये दरवाज़ा बना रखा है हमने, देखना पूरा पन्नी पन्नी लग रही है इसमें, बहुत तगड़ी बारिश पड़ी है रात। और खाने पीने में दिक्कत आ गई और गांव में हमारी भेड़िया वगैरह भी आ गया था। यहाँ पर बैठा हुआ है ये, और इतना छुटकी इधर बैठी हुई है, चाय फा कुछ बनी नहीं है, वो बनेगा अभी, हमारे आलू उबल रहे हैं, दुकान बंद थी। और इधर ये देवसी वगैरह बैठी है, मैं बाहर निकल जाता हूँ अभी, बाद देखना अभी मौसम काफ़ी बेकार सा हो रहा है, पूरा बादल बादल सा हो रहा है पूरा, देख रहा है नल के लिए भी जा रहा हूँ तब भी रपटन रपटन सी हो रही है, पूरे घर में पानी पानी भर गया है। अभी देवसरी आ रही है दोस्तों वहाँ से, देखना पूरे घर में से निकल के आ रही है, उस झोंपड़ी में से पन्नी से ला रखा है हमने, पूरा देखना संभल संभल के आना, गिरन मत आना। तो ये देख सकते हैं अभी देवसरी आ रखी है, काफ़ी बहुत बुरा हो रहा है, तीन दिन हो गया आज बारिश पड़ते पड़ते। और देवसरी ये आज तीन दिन से स्कूल भी नहीं गई है, ये नहीं बच्चे गए हैं दो जाते हैं। राम राम दोस्तों बहुत कड़ी बारिश पड़ी है दोस्तों, भाई दुकान पे गया था कुछ मिला नहीं दोस्तों, अभी हमारे आलू उबल रहे हैं दोस्तों, में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जहाँ हम खाने बनाते थे हमारी झोपड़ी में पूरा में पानी पानी हो गया है। ये देखना दोस्तों अब मैं जा रही हूँ खाना बनाऊंगी, अभी देव से जा रही है खाना पीना बनाने के लिए, अब वहीं बना रही है जो भी है आलू वगैरह, पूरा झोंपड़ी में पानी पानी है, अब बहुत दिक्कत आएगी आज, ज़्यादा सपोर्ट करो। ये देखना पूरे इसमें पानी पानी है, दिक्कत ही दिक्कत है इसमें तो। और उसमें अभी वो है देखना, पूरी झोंपड़ी में पानी पानी हो गया है वहाँ पर, झोंपड़ी में पूरे में पानी पानी हो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर देव से लेकर खड़ी हुई है दोस्तों। बारिश काफ़ी तेज़ पड़ रही है और अभी देख सकते हैं वहाँ भेड़िया वगैरह भी आ रखा है, दो दिन से तो यही बने पड़े हैं हमारे इसमें बैल, और इसमें पूरी देखना पूरा पानी पानी से टपक रहा है यहाँ पे, और देखना पन्नी पन्नी भी सारी उतर रखी है, तो यहाँ पे पूरे में लीचड़ लीचड़ सी हो रही है अभी तो। ये देखना हमारी बहुत दिक्कत आ गई है खाना बनाते बनाने में, और ये देख सकते हैं हमारी लकड़ी सकड़ी सारी भीगी हुई है, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारी लकड़ी भीगी है सारी,
तो देखना भैंस कहाँ पे बैठी हुई है, पूरा पानी दल दल हो रहा है इधर। और ये वाली घर में भी ऐसा ही है, झोंपड़ी झोंपड़ी सी है, वहाँ से वहाँ तक कपड़े वगैरह सूख रहे हैं। यहाँ पे 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं बारिश पड़ते पड़ते, और हम लोग यहाँ पे ही हैं अभी। बहुत दिक्कत आ रखी है अभी खाना पीना बनाने में। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो। तो आज के लिए इतना ही है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं भेड़िया की वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पे अभी आ रखी है, वो गाँव में आ गया था, वो पकड़ लेंगे पुलिस उसे।